अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। हमारी दुआ है कि आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। तो इसी के साथ ही आज की वीडियो का करते हैं जी आगाज़। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी दुल्हन की जो शॉपिंग हमने की है, पहला ड्रेस जो लिया है उसके लिए और मायूं मेहंदी के लिए जो सामान लिया है, यानी कि जो भी शॉपिंग की है अभी हमने दुल्हन के लिए की है। पहले तो हमने अपने लिए की थी जो आपने कहा था बिल्कुल बेकार है, लेकिन हम अपने जो है ना यहाँ पे हॉल के मुताबिक हमने अपनी शॉपिंग की थी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा, इसलिए हमने लॉन के कपड़े लिए थे। तो अभी जो है दुल्हन के कपड़े वो तो क्या है ना कि ज़्यादा लॉन के नहीं ले सकते हैं, वो तो मैंने हमने ब्राइडल ड्रेस जो लिए वो अभी आपके साथ शेयर करेंगे। तो अभी जल्दी से जो है ना शॉपिंग में आपको खोल के दिखाती हूँ, मैं बैठ जाती हूँ। सुभान भी आए हुए हैं, ये भी शॉपिंग दिखाएगा सबको। उधर उज़ैफा बैठा हुआ है आराम से, क्योंकि वो बार बार ना मेरे मुँह के साथ मुँह लगा के कहते हैं आंटी आंटी बातें करते हैं, तो कहाँ से शुरू करेंगे समझ नहीं आ रहा। माशाल्लाह से शॉपिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा की है जी। तो अभी जल्दी से तैयार करते हैं। तो यहाँ पर हमने दुल्हन के लिए कुछ लॉन के ड्रेस भी लिए हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि फिर से वही लॉन के कपड़े ही लेकर आ गए, लेकिन गर्मी है भाई, गर्मी में लॉन के कपड़े जो हैं वो बहुत ज़्यादा चलते हैं। और आजकल जो लॉन के कपड़े हैं वो ये जो दूसरे फैंसी ड्रेस होते हैं उनसे ज़्यादा महंगे हैं। एक सूट हमने लिया है जी, ये वहाँ से आपको थोड़ी सी पिक्चर जो है वो नज़र नहीं आ रही थी, ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये इसके साथ जो है दुपट्टा है, ग्रिप में है ये वाला, ये और साथ इसके है ये इसकी बैक साइड है कमीज की, ये भी लॉन में। इसी के साथ इसके जो है बाजू में वो भी पैच है। और यहाँ पे आ जाता है ये जो कमीज की जो फ्रंट ये वाला, क्योंकि लॉन के कपड़े जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा जो है शोक कलर में नहीं होते बल्कि ऐसे लाइट लाइट कलर होते हैं, लेकिन ये फिर भी अच्छा कलर मिल गया है। तो ये इसके साथ शलवार है। अभी मोहम्मद सुबान चेक करेगा अपनी आंटी के कपड़े। तो ये है जी दूसरा सूट, यहाँ से कुछ इस तरह है, ना भी नज़र आए तो फिर भी मैं थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ जी। और तो ये इसके साथ है शलवार और ये दुपट्टा है, और दुपट्टे के ऊपर ना ऐसे ऐसे लेस भी लगी हुई है, बहुत प्यारी प्यारी। और ये है जी इसका कमीज, तो कमीज भी माशाल्लाह से प्यारी है, बस ये थोड़ी सी इसके ऊपर जो है कढ़ाई की हुई है। तो ये है दो जो हमने सूट लिए हैं लॉन के। तो यहाँ पे मैं अभी आपको जो है दिखा देती हूँ बाकी की सारी शॉपिंग। तो मायों की भी हमने कुछ शॉपिंग जो है वो की है, उसमें सबसे पहले नंबर पर तो हमने ये लिया है मेहंदी जब लगाते हैं तो दुल्हन को ये पहनाते हैं जो सेट, वैसे ये कागज़ी सेट ही बना हुआ है लेकिन है माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा। इसमें जो है ना थोड़े थोड़े ये मोती का काम किया हुआ है और बाकी ये फूल वगैरह लगी हुई हैं। तो इसके इसमें ये एक गजरा भी है, ये कांटे हैं, ये माथे पे लगाने वाली बिंदिया है और ये गले का सेट जो होता है हार वो है। तो यहाँ पर जो दूसरे नंबर पर आता है वो है ये वाला। वैसे तो दुल्हन को हमने जो है गोल्ड का सेट जो है वो भी पहनाना है, लेकिन के जो फर्स्ट डे पहनती है दुल्हन तो वो ज़्यादा ना आर्टिफिशियल सेट ही होता है। मोहम्मद सुबान गिर रहे हो बेटा, सीधे हो जाओ। तो ये हमने लिया है, इसमें ये बिंदिया है, ये बहुत ही प्यारा सा है और साथ में ये कांटे हैं और ये एक माला है और ये गले में पहनने वाला जो है दूसरा वाला एक ये लिया। और ये है जी दुल्हन का फर्स्ट डे का पर्स, ये तो बस थोड़ी सी देर के लिए, अभी थोड़ी सी देर के लिए पहनना रखना होता है बस। वैसे तो आम रूटीन में यूज़ के लिए अच्छे वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे वाले। इस पर भी ये भी अच्छा है, इस पर भी मशरूम से बहुत ही अच्छा अच्छा काम किया हुआ। तो ये भी इस जो सेट है इसके साथ मैच करते हैं।
तो ये दुल्हन के लिए चूड़ियाँ, तो ये भी बहुत ही प्यारी हैं। तो अभी इनको मैं खोल के जो है नहीं दिखाऊंगी, बल्कि ऐसे ही दिखा देती हूँ, खोला तो फिर ख़राब हो जाएंगे। और वैसे भी मोहम्मद सुबहान बैठा हुआ है ना जी। तो यहाँ पे बाकी हमने लिया है सामान जो है कुछ, वो मेहंदी और मायों का, जैसे ये उबटन होगी, ये ऑयल है, इसको यहाँ पे रख देते हैं। और ये है साथ में दुल्हन के लिए जो गाना होता है वो उसके हाथ में डालते हैं। यहाँ से मैं जो इसकी चिप लगी हुई है, ये पर फूल बना हुआ है, तो ये भी बहुत ही प्यारा है। तो ये दुल्हन के लिए लिया है, जिस दिन मायों बिठाते हैं फिर उस दिन दुल्हन के हाथ में पहना देते हैं, और फिर जब शादी होके आ जाती है तो तीसरे दिन ये गाना जो है वो उतारा जाता है। तो एक ये भी लिया है, बाकी जो है ये कौन में लिया दोनों। तो ये तो हो गया जी दुल्हन की जो है मेहंदी का कुछ सामान जो है वो मैंने आपको दिखाया, और साथ में ब्राइडल जिस दिन पहले दिन उन्होंने सेट पहना है वो गुस्सा कर रहा है सुबहान उधर, क्योंकि मैंने इसको नीचे बिठा दिया, पहले ऊपर बैठा हुआ था तो जो है इसलिए फिर अभी यहाँ पर बैठा ना। और यहाँ पर हमने लिए हैं 2 अदद जूते, तो ये हमने उनके लिए लिया मेहंदी के लिए, और मेहंदी का सूट जो है वो स्टिच होने के लिए हमने दे दिया था, इसलिए वो मैंने आपको नहीं दिखाया। इंशाल्लाह नेक्स्ट जिस दिन मेहंदी होगी उस दिन मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये खुद से लिए हैं, इसमें ये जो है काम हुआ हुआ है तिल्ले का, और बहुत ही प्यारा है, अच्छे वाला खुद से ठीक हो गया। और दूसरे नंबर पर यहाँ पर हमने लिए है ये शूज़, ये फर्स्ट डे पहनने के लिए, पहले दिन थोड़ा जो है ना हील वाला लिए जी। तो ये गोल्डन कलर में लिया है, क्योंकि गोल्डन कलर जो है वो हर सूट के साथ पहना जा सकता है। ये भी इसके ऊपर बटरफ्लाई बनी है जी। तो अभी मैं फाइनली आपको दिखा देती हूँ दुल्हन का जो ब्राइडल ड्रेस है, पहले दिन जो दुल्हन ने पहना है। तो ये थोड़ा सा हैवी भी है भी, और नहीं भी, हमने बहुत ज़्यादा हैवी नहीं लिया, क्योंकि गर्मी जो है इतनी होनी है तो इसमें बहुत ज़्यादा हैवी ड्रेस जो नहीं पहना जाता। और वैसे भी हमने जो है कुछ इस हिसाब से लिया है ताकि ये बाद में भी किसी शादी ब्याह पे पहना जा सके। अभी ये नहीं कि जैसे मेरा जो इतना बड़ा फ्रॉक लहंगा है तो वो जो है अभी आम बाद में किसी शादी पे नहीं पहना जा सकता। तो ये है जी इसके साथ ट्राउज़र, ये सिंपल ही है, ये है फ्रॉक का दुपट्टा, ये इसके ऊपर तिल्ले का सारा काम किया हुआ है, गोटे का तिल्ला लगा हुआ है, ये सारा यहाँ पर भी। तो अभी इस पे जो है थोड़ी बहुत जो पाइपिंग है वो भी लेकर लगाएंगे, और भी कुछ सामान इस पे लगाने वाला है। तो ये इसकी शमीज़ है, और ये है जी फ्रॉक। ये फ्रॉक है रेड कलर में लिया, क्योंकि यहाँ पे गांव में जो है ना रेड कलर बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है इसलिए। तो ये इसकी फ्रंट है, और बैक साइड से इतने ज़्यादा काम नहीं किया हुआ, ये है इसकी बैक साइड, बस ये ऊपर थोड़ा बहुत काम जो किया हुआ है, बस वो भी कढ़ाई की हुई। और इसके साथ हमने जो ली है वो है ये बहुत बड़े जो सरप्राइज है वो तो दिखाए नहीं, इसके साथ हमने लिया है ये एक टोकरी, जो मायों वाले दिन इसमें हम सारा जो सामान होगा दुल्हन का वो रख के लेकर जाएंगे। फिलहाल ये पैक है और इसको खोला नहीं है, ये ऐसे कश्ती टाइप बनी है और बहुत ही प्यारी है। मैंने जब वहाँ पे देखी तो फिर मैंने खजर के बाबा को बोला कि ये ज़रूर लेनी चाहिए, इसलिए फिर हमने ये भी ले लिया। तो ये थी हमारी सारी जो है दुल्हन की शॉपिंग, आपको कैसी लगी आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें, और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो इंशाल्लाह भी नेक्स्ट मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।